हेलो एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। साथियों, आज सुबह करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पाई थी और वापस शाम में वाली क्लास में ले रहा हूँ। वंस अगेन वेलकम टू अन अकेडमी। और जल्दी से हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। करंट अफेयर्स के अंदर उन तमाम महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग देखने वाले हैं जो अपकमिंग एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी बच्चे सेशन में लाइव हो पाए, एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर लो और अपने सभी साथियों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। अपने से मैक्सिमम बच्चों का कमेंट मैं देखता हूँ कि सर क्लास बहुत मज़ा आता है लेकिन इसका पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करें। साथियों, डिस्क्रिप्शन में पांचवें नंबर पे देखना लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। उस लिंक के माध्यम से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। सारे पीडीएफ और आगे के क्लासेस के सारे अपडेट्स आपको वहीं से मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हर दिन की तरह सेशन की शुरुआत होगी शुभ विचारों के साथ, थाउट ऑफ द डे के साथ। और आज का थाउट है कि अगर कोई आप पर क्रोध करता है तो उसे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्रोधित वही होते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। जी साथियों, अगर आप पे कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो उसे समझने का प्रयास करें। आमतौर पर क्या होता है कि अगर हमें कोई क्रोध करे तो हम उसके अगेंस्ट रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप हमेशा इस बात का प्रयास करिए कि सामने वाले के व्यक्ति ने जो क्रोध किया उसके पीछे की वजह क्या है, ये भी जानने का कोशिश करें। हाँ, ये हो सकता है कई बार कि आप जल्दबाजी कर रहे हो रिएक्ट करने के मामले में। अगर आप थोड़ी समझदारी दिखाएं तो शायद उसका क्रोध भी ठंडा हो सकता है और वो चीज़ें जो आप चाहते हैं या जो सामने वाला व्यक्ति चाहता है वो चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं आसानी से। और हमेशा इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि व्यक्ति वही क्रोध आपके ऊपर कर सकता है जो आपसे प्रेम करता है, जिसके नफा नुकसान का फर्क उस व्यक्ति पे पड़ता है। आमतौर पे अगर हम जिसे नहीं पहचानते उस पे कोई क्रोध करता है क्या? ऑब्वियसली नहीं करता है। तो आज के सेशन की शुरुआत साथियों इसी थाउट के साथ हम लोग करेंगे। और अभी मुझे 17 बच्चे लाइव दिख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग भी जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। हाँ, तो हम लोग जल्दी से अपने सेशन की शुरुआत करेंगे साथियों। और 1st ऑफ अगस्त आज के सेशन में ढेर सारे क्वेश्चन इसे देखेंगे। अगर आप सभी बच्चे चाहोगे तो मैं एक बार क्विक रिविजन करा दूंगा, जिसमें लास्ट क्लास में जो हमने करंट अफेयर्स किया था उसे वापस से फटाफट से 5 मिनट में देखेंगे, फिर नए सवालों पे आएंगे। तो क्या आप सभी लोग क्विक रिवीजन चाहते हो? जितने बच्चे क्विक रिवीजन चाहते हैं एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्विक रिवीजन कराना है या नहीं कराना है, जल्दी जल्दी से एक बार में कॉमेंट करके बता देना कि क्विक रिवीजन कराना है या नहीं कराना है। एक बच्चा लिख रहा है माइक खराब है, क्या मेरी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है? अश्विन, क्या मेरी आवाज आप नहीं सुन पा रहे हो क्या? चलिए, तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं अश्विन, फिर नए सवालों पे वापस लौटेंगे। हाँ, चलो जल्दी से देखते हैं लास्ट जो आपने सेशन में क्वेश्चंस किए हुए उन तमाम सवालों को और फिर हम लोग अपने नए प्रश्नों पे वापस लौटेंगे। हाँ, देखिए, जो स्टूडेंट ऑलरेडी आपने सवाल बनाया है वही सब था कि सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत बेरोजगारी योजना अटल बीमित योजना के 2 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये पहला सवाल था आपके लास्ट क्लास में जो आपने ऑलरेडी किया हुआ था। जल्दी जल्दी से कॉमेंट करते चलना, कितने समय के लिए इस योजना को कब शुरू किया गया था? स्टूडेंट एक है अटल पेंशन योजना। हाँ, तो अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत हुई थी साथियों वह वर्ष कुछ और था, लेकिन आपसे जो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, 10 सेकेंड। हाँ, ये चलिए, तो इस योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करके बताओगे। पहला सवाल आपके सामने आज के सेशन का और राइट आंसर इज ऑब्वियसली साथियों इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। एक है अटल पेंशन योजना, हाँ वो डिफरेंट है, वो 2016 में स्टार्ट हुआ था, तो अटल पेंशन योजना नहीं पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अगला सवाल है कि बहुप्रतीक्षित 43 दिवसीय वार्षिक मचेल माता यात्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रारंभ हुआ है? 43 दिवसीय साथियों मचेल माता यात्रा की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो इसकी शुरुआत सबने जानकारी रखोगे ये जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पुनः बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में किस राज्य में शेड्यूल कास्ट समुदाय के खिलाफ सबसे अधिक अपराध रिकॉर्ड किए गए हैं। साथियों, एससी के खिलाफ, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामला कहाँ दर्ज हुआ है, तो इसमें सही जानकारी होगी। जो आपके कॉमेंट्स का मैं इंतजार कर रहा हूँ, इसमें सही जानकारी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे सवाल है और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का परिसर का उद्घाटन किया है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या रखा गया है? इस कॉम्प्लेक्स का नाम साथियों क्या रखा गया है, जल्दी से कमेंट करके बताओगे? ग्रेट हा, तो इस परिसर का नाम रखा गया है भारत मंडपम। सबके लगभग आंसर इसमें सही है। आगे बढ़ेंगे पुनः, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अगला सवाल आपके सामने है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने डॉक्टरों के रिटायरमेंट की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा को साथियों 62 से बढ़ाकर 65 कर दिया है? डॉक्टरों की, सरकारी डॉक्टरों की कमी को देखते हुए डॉक्टर की रिटायरमेंट की उम्र को 62 से 65 करने वाला राज्य कौन सा है? बहुत बेहतर साथियों, वह राज्य है उत्तर प्रदेश। आगे पुनः सवाल आपके सामने है, विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता, दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? लो, ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है साथियों, पुरुषों का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है मिस्टर रूबरू, इसका आयोजन कहाँ पे होगा, संबंधित राज्य का नाम बताइए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, कॉमेंट्स आपके मैं देख रहा हूँ। हाँ, एक्सलेंट, संबंधित राज्य का नाम क्या है? तो इसका आयोजन होने वाला है गोवा के अंदर। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। हाँ, आगे पुनः सवाल आपके सामने है, सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक ने KGFS के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है? साथियों, उस बैंक का नाम क्या है? भारत की सबसे बड़ी बैंक वैल्यूएशन के मामले में साथियों HDFC है, उसने यह समझौता किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पुनः सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने बड़े कॉरपोरेट बैंकिंग 2023 क्रिसिल के ग्रीनविच मार्केट शेयर लीडर्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़ दिया है, उस बैंक का नाम क्या है? तो साथियों वह बैंक भी है HDFC बैंक, एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपने बताना है कि एक उपन्यास है, नॉवेल है साथियों, जिसका नाम है चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स, इसके लिए माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी से कमेंट्स करेंगे। चलिए, बहुत बेहतर, वेरी गुड रहेगा, और आगे फिर से बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए, अगला प्रश्न पुनः आपके सामने है, इसमें सही जानकारी है शंकरी चंद्रन। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने है, नेक्स्ट है, कोरिया के चांगवांग शूटिंग रेंज में ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 पुरुषों के व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है? किसने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है? लाइक और शेयर करने में आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, अधिक से अधिक संख्या में लाइक और शेयर का वेट कर रहा हूं मैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ओके, जल्दी जल्दी से आंसर करते चलिए। इसमें सही जानकारी क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो सही जानकारी है कमलजीत, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा, विश्व प्राकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे प्रतिवर्ष कब मनाए जाते हैं? 28, 29, 30 या 26 जुलाई को यह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चलिए, बहुत बेहतर, इसमें राइट आंसर इज ऑब्वियसली प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है, इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 का थीम क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस डे? तो साथियों इस वर्ष जो हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया उसका थीम था वी आर नॉट वेटिंग। हाँ, क्या नाम है? वी आर नॉट वेटिंग, हम लोग इसका इंतजार नहीं कर रहे हैं। आगे पुनः बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा, किस राज्य में पहली बार ट्रांसजेंडर को जन्म प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? नूर शेखावत, साथियों अभी रिसेंटली मैंने नाम पढ़ा था,
नूर शेखावत जिन्हें जन्म प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है और आपसे पूछा गया कि वह संबंधित राज्य कौन सा है। तो सभी लोग जानकारी रखोगे कि वह संबंधित राज्य है राजस्थान, जहां पे पहली बार ट्रांसजेंडर को जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। आगे पुनः सवाल है, किस स्पेस एजेंसी के द्वारा जुपिटर 3 लॉन्च किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया गया, वह संबंधित स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो साथियों उस संबंधित स्पेस एजेंसी का नाम है स्पेसएक्स, जो कि एलन मस्क की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है और ये भी ऑपरेट कहाँ से होती है साथियों? यूएसए से। बिल्कुल, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, सवाल है किस देश ने 7 बिग कैट संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कैट अलायंस लॉन्च किया है? 7 बिग कैट, हाँ, जिसमें जगुआर, चीता, टाइगर, लायन सब शामिल है, उसके लिए 7 बिग कैट के लिए स्टूडेंट अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस किसने लॉन्च किया है? तो आपने जानकारी होगी भारत ने इसे लॉन्च किया है और इसे समर्थन किया है नेपाल ने, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे सवाल होगा, कौन भारत के 83rd शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, उनका नाम क्या है? तो सभी बालक इसमें जानकारी रखोगे कि वह है आदित्य सामंत। आदित्य सामंत बिल्कुल सही जानकारी है, भारत के 83rd ग्रैंड मास्टर हो गए हैं, शतरंज चैंपियन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक लगातार 5वें वर्ष राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों को सबसे ज़्यादा ऋण दिया है? विच बैंक हैज़ बीन द लीडिंग लेंडर टू अ स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड कॉरपोरेशन फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर? भारत में 5वें वर्ष लगातार सरकारी संस्थाओं को सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला बैंक कौन सा है? तो सेंट सरकार की संस्थाओं को सबसे ज़्यादा ऋण देने का काम किया है कैनरा बैंक ने, 5 वर्षों से लगातार ये पहले नंबर पे है। आगे पुनः सवाल होगा, महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहला उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? साथियों महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो भारत में औद्योगिक क्षेत्र में एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, भारत में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा करने वाले व्यक्ति जिसके अंदर लगभग 900,000 लोग काम करते हैं उनकी कंपनी के अंदर, तो वो है इसमें टाटा संस के रतन टाटा। एंड अगला सवाल, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? मेरी माटी मेरा देश अभियान साथियों किस मंत्रालय ने शुरू किया है? प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा करी है कि सभी लोगों को अपनी मिट्टी को हाथ में ले करके उसको अपना एक सेल्फी अपलोड करना है और देश के प्रति अपनी कृतज्ञता जो है उसको उसमें दर्शाना है, तो ये कार्य किसने किया है? एक कोई बच्चा या बच्ची है ज्योति मौर्य बीपीएससी नाम लिख करके क्लास को ज्वाइन किया है, वेलकम है बच्चे। तो इसमें सही जानकारी क्या हो जाएगा साथियों? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। भाई अगला सवाल होगा, आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस क्या है? कंजक्टिवाइटिस क्या है? ये रेटिना का सूजन, कॉर्निया का सूजन या परितारिका का? नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इन्फ्लेमेशन ऑफ दी कंजक्टिवा। तो ये सारे उत्तर सही हो गए। अब हम लोग आएंगे इसमें नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वह है बिहार करेंट अफेयर्स में, और बिहार के करेंट अफेयर्स में लोग देखने वाले हैं उन तमाम महत्वपूर्ण सवालों को जो जाहिर सी बात है अपकमिंग एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये पहला सवाल आपके सामने है, परिमार्जन पोर्टल किस सेवा से संबंधित है? तो सुन, इसका संबंध है जमाबंदी म्यूटेशन रजिस्टर में सुधार से। आगे सवाल, नालंदा अंटिल बिमिट कंगन पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? तो साथियों इसके पुस्तक के लेखक का नाम है गौतम बोरा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी बिहार के करेंट अफेयर्स हैं। किस योजना के तहत बिहार में 87 नए पाठ्यक्रम लाए जा रहे हैं? भारत बिहार में 87 न्यू कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं अंडर दिस प्रोग्राम, अंडर विच प्रोग्राम? तो फ्रेंड इसके अंतर्गत है छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें 4,00,000 रुपए तक का क्रेडिट कार्ड सरकार प्रदान करती है। आगे सवाल है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में पहला स्थान या रैंक मिला है? जल जीवन सर्वेक्षण में कौन सा वो जिला है जिसको पहला रैंक प्रदान किया गया है? जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे, आपके आंसर का वेट हो रहा है भाई, जल्दी से आंसर करोगे?
चलिए, इसमें समस्तीपुर अश्विन पहले नंबर पे है। आगे पुनः सवाल देखोगे कि बिहार सरकार ने गव्य विकास योजना के तहत देसी गाय देने के लिए कितने करोड़ रुपए अलॉट करे हैं। तो राज्य में इसमें देसी गाय बांटने के लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किए हैं, यानी कि 30 करोड़ रुपया गाय को वितरित करने में वो खर्च करेगी सरकार इसके अंदर। चलो, ये तमाम सवाल थे जिसको आपने उड़ा दिया है। अब आएंगे नए प्रश्नों पे। तो सभी लोग नए सवालों के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ भाई। नए प्रश्न जो आज के सेशन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि 1st of August। स्टूडेंट, आज से नए मंथ की शुरुआत हो रही है और अगले कुछ ही मिनटों में हम लोग देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस, जो ऑब्वियसली अपकमिंग एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और अभी हम लोगों ने जस्ट क्विक रिवीजन कंप्लीट किया है, अब नए सवालों पे लौटेंगे। ये पहला सवाल आपके सामने आज के सेशन का, अच्छे से पढ़ोगे, बनाने की कोशिश करना। हाँ, प्रश्न क्या है ध्यान से सुनना। सवाल है कि विश्व स्तर पर संसाधन दक्षता और सर्कुलर अर्थव्यवस्था, रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए संसाधन दक्षता इकोनॉमी इंडस्ट्री को लॉन्च किसने किया है। RECEIC को लॉन्च करने का कार्य किसने किया। देखो, सबसे पहली बात जो सबने जानकारी रखोगे वो ये है कि संबंधित सवाल जो है वो किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है, क्या है रिसोर्स इफिशियंसी, संसाधन दक्षता। तो साथियों, रिलेटेड जो मिनिस्ट्री होगा वह होगा भारत में पर्यावरण और वन संरक्षण मंत्रालय, यानी कि फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन मिनिस्ट्री होगा। तो इसको लॉन्च करने का काम किसने किया साथियों, इसे लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने। किसने लॉन्च किया है, भूपेंद्र यादव ने। एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ऑब्सोल्युटली राइट है, पूरी तरह से सही हो जाएगा। हाँ, अब आगे इसी प्रश्न में हम लोग बढ़ेंगे इसकी एनालिसिस में। और एनालिसिस में अगर देखें स्टूडेंट, तो ये सबसे पहले तो G20 जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ पे भाई, तो चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु के इसके अंदर इसे लॉन्च किया गया है। अब सवाल है कि सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे क्या है। तो सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब स्टूडेंट मैन्युफैक्चर, रिटेलर, उसके बाद क्या है कंज्यूमर, फिर रीयूज करना, रिपेयर करना, रिसाइकल करना है और रिसाइकलिंग सेक्टर को देना है। तो ये क्या है रिसोर्सेज का, हम क्या देख रहे हैं उसको, ये सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट है, जहाँ पे एक रिसोर्स जो है उसको यूज, रीयूज, मैन्युफैक्चर और फिर उसको रीयूज करने का कोशिश करते हैं। तो उस कंसेप्ट को यहाँ पे वो डिस्कस कर रहा है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री ने इसे लॉन्च किया है और G20 प्रेसिडेंसी के तहत जो इसे लॉन्च किया गया है। G20 प्रेसिडेंसी, भारत अभी इसकी अध्यक्षता कर रही है, चेन्नई में बैठक हुआ है जहाँ पे इस प्रोग्राम को भारत ने लॉन्च किया है, ताकि दुनिया भर में जो रिसोर्स का प्रयोग हो रहा है, संसाधनों का उपयोग हो रहा है, उसके इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके, उसकी दक्षता को बढ़ाया जा सके। तो इस बात का अच्छे से ख्याल रखोगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे लिए, अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कितने एकलव्य मॉडल विद्यालय को शुरू किया है। हाँ, जल्दी से देखेंगे इसे। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को शुरू करने की घोषणा करी है। जल्दी से देखेंगे सवाल को। चलिए, बहुत अच्छा इसमें, और सबने जानकारी रखोगे साथियों कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एकलव्य विद्यालय को उद्घाटन किया है, उसकी संख्या है टोटल 6। कितने एकलव्य विद्यालय की घोषणा हुई स्टूडेंट, तो 6 एकलव्य विद्यालय की घोषणा की गई है। अब इसके पूरे मामले को समझेंगे हम लोग यहाँ पे। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, इसके पूरे मामले को हम लोग यहाँ से समझेंगे। देखिए, ये 6 एकलव्य विद्यालय है, इसके बारे में पहले समझना कि एकलव्य विद्यालय है क्या। तो स्टूडेंट, एकलव्य विद्यालय ऐसे विद्यालय है जहाँ पे रेसिडेंशियल एजुकेशन है, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, आदिवासी बच्चों के लिए है। और इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है स्टूडेंट, अभी आपको मैं थोड़ा डिटेल दिखा दूं, इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है निर्मला सीतारमण ने भी 2023-24 में घोषणा किया है कि राज्य में लगभग 7,000 से ज़्यादा एकलव्य स्कूल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 8,000 से ज़्यादा शिक्षकों और सपोर्ट स्टाफ की घोषणा होगी। इसमें बजटरी एलोकेशन है स्टूडेंट 5,943 रुपये का, यानी कि
सरकार इस पे लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। अभी जो एकलव्य विद्यालय का इनोग्रेशन हुआ है स्टूडेंट राजस्थान के अंदर, ये कहाँ पे हुआ है तो उदयपुर में, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में, डूंगरूपुर में, और 6 टोटल एकलव्य विद्यालय का इनोग्रेशन हुआ जिसमें 2880 आदिवासी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। अब इसमें सबसे खास बात क्या है वो समझने की कोशिश करना। इन विद्यालयों के अंदर टोटल 2880 बच्चे पढ़ाई करेंगे जिसमें से सरकार के अनुसार जो है वो 1440 बच्चे जो होंगे वो लड़कियां होंगी और 1440 बच्चे जो होंगे वो लड़के होंगे, यानी कि लड़कियों और लड़कों के लिए एक छात्रावास भी होगा, हॉस्टल भी होगा और वहीं पर पढ़ाई और सारी सुविधाएँ जो है वो सरकार इसको विकसित कर रही है। इसके अंतर्गत स्टूडेंट एकलव्य विद्यालय को स्थापित करने में सरकार का जो बजटरी एलोकेशन से वह है 38 करोड़ रुपया मैदानी क्षेत्रों के लिए और 48 करोड़ रुपया जो है इस पर सरकार खर्च करती वह है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। तो पूरा मामला याद रखना है कि एकलव्य विद्यालय जो है, हाँ, वो एकलव्य विद्यालय कहाँ पर अभी लॉन्च हुआ है भाई, तो राजस्थान में 6 एकलव्य विद्यालय शुरू किए गए हैं और बजट 2023-24 के अंदर सरकार ने 7,000 की घोषणा करी है और टोटल 6,000 करोड़ रुपये लगभग इसमें खर्च किए जाएंगे। तो इस प्रश्न को भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे लिए, अगला सवाल है कि भारत ने किस राज्य के राजमार्गों को उन्नत करने के लिए ADB के साथ 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है, वह संबंधित राज्य कौन सा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, जल्दी से करोगे। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि वह संबंधित राज्य कौन सा है जिनके सड़कों को उन्नत बनाने के लिए 295 मिलियन डॉलर का समझौता किया गया है ADB के साथ। तो स्टूडेंट वह राज्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वह है हमारा प्यारा सा बिहार। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहार के लिए साथियों इस बड़ी सी योजना की घोषणा करी गई है और बिहार में ऐसे सड़कों का निर्माण होगा जो आपदा और बाकी जो डिजास्टर होता है, बाढ़ इत्यादि की जो समस्याएं होती हैं उससे निजात मिल सके और साथ ही साथ क्या है सड़क सुरक्षा को अपग्रेड किया जा सके। तो उसके लिए 295 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हुआ ADB के साथ। तो भाई बहुत बड़ी घोषणा है बिहार के लिए, तब तो कहना ही नहीं है। आगे और भी चीज़ें हैं इसमें, हाँ, और वो क्या है स्टूडेंट, बिहार ने 2008 से लेकर के अब तक 1696 किलोमीटर राज्य मार्ग और गंगा पर एक नए पुल का निर्माण किया है जिसमें बिहार ने टोटल अब तक 1.6 बिलियन डॉलर का लोन ले रखा है। यानी कि बिहार ने अब तक कितने लोन लिए स्टूडेंट, तो बिहार ने अब तक टोटल 1.63 बिलियन डॉलर का लोन ले रखा है ADB से सड़कों का निर्माण के लिए और गंगा नदी पे जो पुल का निर्माण हुआ है, ब्रिज का जो निर्माण हुआ है स्टूडेंट, वो सब इसी के अंतर्गत हुआ है। तो ये पूरी जानकारी हम लोग रखेंगे, आगे फिर से हमारे सामने न्यूज़ होगा। और ऑब्वियसली ADB के बारे में सब आप जानते होंगे, 1966 में इट वॉज एस्टैब्लिश्ड, इसकी स्थापना करी गई थी। और इसके अलावा हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे भाई, तो मनीला फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और असाकावा इसके हेड हैं, अशोक लवासा इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। टोटल इसमें नंबर ऑफ कंट्रीज 68 मेंबर कंट्री है एशियन डेवलपमेंट बैंक में ADB में। आगे बढ़ोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा और यह सवाल फिर आपसे कि बताओ SBI रिसर्च के मामले में इको रैप रिपोर्ट आया है 2023, भारत विकास दर को बरकरार अगर रखता है वर्तमान तो किस वर्ष तक दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। भारत अगर जिस रेट से अभी ग्रो कर रहा है, हाँ, जिस रेट से भारत आज विकास कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, इस रेट से अगर भारत ग्रोथ करता है तो कौन सा टारगेट ईयर है जब भारत जो है दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो इसमें सही जानकारी होगा कि इस विकास दर के साथ अगर अभी हम लोग वर्तमान करेंट डेवलप इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को अगर भारत मेंटेन करे तो 2027 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था जो है वो बन जाएगा। हाँ, तो इसके बारे में भी जानकारी रखना। और इससे पहले स्टूडेंट इसका SBI ने अपने रिपोर्ट में कहा था 2029 तक बनेगा, लेकिन अब रिपोर्ट को अपडेट कर दिया है, अब भारत जो है 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ये SBI का इको रैप रिपोर्ट के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब कुछ आप जानोगे कि भारत का जो GDP का आकार है वो 1.8 ट्रिलियन लगातार बढ़ रहा है और अगर इसी ग्रोथ रेट से हम लोग चलेंगे तो 2047 तक हमारी जो GDP है स्टूडेंट वो लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर तक हमारा पहुंच जाएगा, 20 ट्रिलियन डॉलर तक। तो ये मामला है पूरा, इसको देखेंगे। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने होगा
अगला प्रश्न है, अगला सवाल कि NRI EV प्लस, ई प्लस, हाँ NRI ई प्लस नामक एक नई NR बचत खाता योजना किसने शुरू किया है? अच्छा, नॉन रेसिडेंशियल वीमेंस के लिए, गैर आवासीय भारतीय महिलाओं के लिए जो भारत की है लेकिन भारत में नहीं रह रही, विदेशों में रह रही हैं, उनके लिए एक बचत खाता योजना जो है उसकी शुरुआत किस बैंक ने किया है? तो सबने जानकारी रखोगे किसकी शुरुआत किया गया साथियों, फेडरल बैंक के द्वारा, और महिलाओं से जुड़ा हुआ ऐसा एग्जाम में सवाल BPSC कई बार पूछ चुके, एकाध प्रश्न बैंक से रिलेटेड, तो आप सभी लोग इसकी जानकारी रखोगे। सही जानकारी है, फेडरल बैंक ने इसकी घोषणा करी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे जानकारी है कि ये महिलाओं के लिए शुरू किया गया है, और इसमें क्या है साथियों, तो खाता धारकों को हवाई अड्डों में, लॉन्च इत्यादि में जो है वो फ्री एक्सेस मिलेगा, वहाँ पे लॉन्च वगैरह की फैसिलिटी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको अलग से कुछ पैसे पे नहीं करना इसमें। हाँ, अब यहाँ पे बात करते हैं कि फेडरल बैंक के बारे में, तो उसमें फेडरल बैंक के बारे में कुछ बातें आप नोट कर लेना। जैसे सबसे पहले फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई है, 1931, इसके फाउंडर के हॉर्मिस, हेडक्वार्टर केरल कोची में है, और श्याम श्रीनिवासन इसके MD और CEO हैं, शालिनी वारियर इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो आमतौर पर नहीं पूछा जाता, लेकिन जानकारी रखना कि इसका हेडक्वार्टर कोची में है, स्थापना इसका 1931 में हुआ था। आगे पुनः सवाल है कि किस बैंक ने डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए IBM इंडिया लिमिटेड के साथ समझौते किए हैं? IBM इंडिया लिमिटेड, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के बारे में आपने सुना होगा, IBM के बारे में, और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन क्या है साथियों, 127 देश में व्यापार करने वाली एक ग्लोबल कंपनी है जो US से ऑपरेट होती है, और उसके साथ किस बैंक ने भारत का समझौता किया है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए? चलिए जल्दी से कमेंट करते चलेंगे, वेरी गुड 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 गुड, जल्दी जल्दी से आपके कमेंट्स देखना है मुझे। कुछ बच्चे अच्छा कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोगों का वाट लगा हुआ है, बट कोई नहीं, पढ़ते जाना है, सीखते जाना है, गलतियां होगी, फिर से सीखना है। ओके, चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे। हाँ, वेरी गुड, एंड इसमें सही उत्तर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सभी बच्चों का कमेंट में देख रहा हूँ, और आप में से कुछ लोगों ने सही करा है, कुछ ने गलत किया है। राइट आंसर ऑब्वियसली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें IBM के साथ समझौते करने की घोषणा करी है। अब इसमें क्या है वो देखो, जैसे समझौता क्या किया है भाई, तो IBM बैंक, चूंकि इसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए ना भाई, तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इसको मिलेगा IBM से, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन से, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। ऑब्वियसली फाउंडर कौन है, हरमन हॉलरिथ थॉमस फाउंडर, इसकी स्थापना 1911 में हुआ, रेवेन्यू बहुत बड़ा है भी, लगभग 6,000 करोड़ रुपये। CEO इसके हैं अरविंद कृष्णा, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, चूंकि इंडियन ऑरिजिन है। हाँ, और IBM का बिजनेस जो है, IBM क्या है, तो यह एक MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है, दुनिया के लगभग 127 देशों के अंदर जो है ये व्यापार करता है, 127 कंट्रीज में। तो उसके साथ भारत में जो बैंक समझौता करे हुआ है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब वापस से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं, और ये सवाल है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी, स्विगी से लगभग सारे बच्चे परिचित होंगे, ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौते किए हैं? वह कौन सा बैंक है जिसके साथ स्विगी ने टाइप किया है, समझौते किया? इसका मतलब क्या होगा कि अब ऐसा एक क्रेडिट कार्ड लेकर के आएंगे जिसमें अगर आप स्विगी से ऑर्डर करते उस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको कैशबैक मिलेगा या फिर आपको उसमें कुछ डिस्काउंट का लाभ मिलेगा। तो साथियों, स्विगी ने वह बैंक जिसके साथ समझौते किए हैं, वह बैंक कौन सा है? तो वह बैंक है वन एंड वनली HDFC बैंक, और स्विगी ने HDFC बड़ा बिजनेस कर लेगा भाई ये, अब ये तो HDFC बैंक के साथ साथियों इन्होंने समझौते किए हैं। और HDFC बैंक भारत की, मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि मार्केट वैल्यूएशन के मामले में पहला नंबर का बैंक है, सबसे बड़ी बैंक है, और शशिधरन इसके CEO हैं, 1994 में इट वॉज एस्टैब्लिश HDFC, एंड आगे इसके बारे में पूरी जानकारी है कि HDFC के साथ उसमें इसने शुरुआत करी है, और स्विगी के खर्च पे 10% का कैशबैक मिलेगा लो, और प्लेटफॉर्म की खरीदारी पे मतलब कुछ भी करोगे 5-5% का जो है वो आपको इसमें मिलेगा। कार्ड धारक को 3 महीने का फ्री स्विगी वन सदस्यता भी मिलेगी, मेंबरशिप मिलेगी, यानी कि अब स्विगी पे खाना खाओ, HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। तो दोनों बैंक कंपनियों ने टाई अप किया है, ये पूरा मामला रहेगा हम लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंटसू एक्स इंडिया, असल डेंटसू एक कंपनी है जो लंदन की है, UK की है, तो पूछा जा रहा है कि
लंदन बेस्ड ये कंपनी जो है इसके इंडिया के सीईओ किसे बनाए गए हैं, इवेंट मैनेजमेंट इत्यादि करने का काम करती है साथियों। तो इसके जो नए सीईओ बनाए गए हैं उस व्यक्ति का नाम है जॉस लियोन। इनका नाम क्या है भाई? तो जॉस लियोन, और ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। लियोन के पास 26 वर्षों का अनुभव है, ब्रांड और मार्केटिंग एजेंसी है, ये मार्केटिंग करती, ब्रांड मेंटेन करती है, और इसमें वो पहली बार इसके हेड बनाए जा रहे हैं, सीईओ बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया उस पर्सनैलिटी का नाम क्या है? इनमें से वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है, वह पर्सनैलिटी, वह व्यक्तित्व कौन सा है? तो साथियों वह व्यक्तित्व है वन एंड ओनली प्रेम प्रकाश, जो कि ANI एशियन न्यूज इंटरनेशनल जो है उसके जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, ANI सब लोग परिचित होंगे लगभग। तो उन्हें इस पुरस्कार से उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और एशियन न्यूज इंटरनेशनल के वो प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। दिल्ली के अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उन्हें ग्लोबल एजुकेशन मेंटोर अवार्ड कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है, और 70 साल से अधिक समय से उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य का अनुभव रखा है। तो लगातार 70 वर्षों का अनुभव जिस व्यक्ति को है, तो निश्चित रूप से काफ़ी बेहतरीन है और वो अच्छा कर रहे हैं इसमें। हाँ, आगे पुनः सवाल होगा हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चलिए ये सवाल, और इसमें आज हम लोग क्या करेंगे कि पूरा डिटेल रिपोर्ट देख लेंगे जो भी हमारे यहाँ टाइगर सेंसस हुआ है, नेक्स्ट लेटेस्ट वाला। तो सर, बाघ दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2010 में, और बाघ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है सर 29 जुलाई को, 29 जुलाई को। हाँ, तो इस पूरी जानकारी को रखोगे, और 2010 में इसका पहली बार आयोजन हुआ था। दुनिया में 13वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में अभी 29 जुलाई को मनाया गया है, यानी कि बाघ दिवस जो इस वर्ष हमने इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया भर में सेलिब्रेट हुआ है वो 13वें नंबर का था, 2010 में इसकी शुरुआत हुई। पूरा मामला समझने की कोशिश करोगे, पूरा रिपोर्ट बता दूं टाइगर के बारे में, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि ये पूरा रिपोर्ट क्या है, सभी बच्चे ध्यान देना। देखो सबसे पहले स्टूडेंट कि भारत में अभी टाइगर का 6ठा गन्ना हुआ है, कौन सा गन्ना हुआ है, कौन सा रिपोर्ट है, ये 6th नंबर का रिपोर्ट है, 6ठे नंबर का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या बातें की गई भाई, जरा ये भी समझना। रिपोर्ट में ये जानकारी है कि भारत में बाघों की संख्या जो स्टूडेंट अब बढ़ करके हो गया है 3682, यानी कि पहले 3167 था, 3167, और अब ये संख्या बढ़ के हो गया 3682। दुनिया का 75% जो बाघ है, टाइगर है, वो इंडिया में ही रह रहा है, और 2018 से 22 के बीच में स्टूडेंट बाघों की जो आबादी है उसमें 24% का वृद्धि हुआ है, 24% का जो है वो इंक्रीजमेंट दर्ज हुआ। ये भारत सरकार का अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये बातें कह रहा है। अब आगे की जानकारी क्या है वो भी देख लेना। हाँ, आगे की जानकारी ये है कि भारत में टाइगर को कंजर्वेशन के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए जो टोटल संख्या इसका रखा गया स्टूडेंट वह है 53। भारत में कितने टाइगर रिजर्व अभी हैं, तो 53 हैं, और इन सब की स्थापना हुआ है 1973 में, जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था स्टूडेंट उसके अंतर्गत इन सब की स्थापना की गई, यानी कि टोटल 53 टाइगर रिजर्व हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है कि भारत में जो 5 सबसे बड़े टाइगर रिजर्व हैं कौन कौन से हैं, तो बच्चे सबने जानकारी रखोगे कि पहला जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वह है उत्तराखंड में जिम कार्बेट, जहाँ पे 260 बाघ रहे। दूसरे नंबर पे बांदीपुर जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पे 150 बाघ हैं। उसके बाद है कर्नाटक में ही नागरहोल 141, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ जिसमें 135 हैं, और इसके अलावा तमिलनाडु में है मुदुमलई जिसमें 114 टाइगर हैं, 114 बाघ हैं। तो ये भारत के 5 सबसे बड़े टाइगर रिजर्व हैं जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि भारत में सबसे अधिक टाइगर कहाँ पे है, तो साथियों भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया है, और इसकी संख्या है 385, यानी कि 785, और 2018 में 500 इतना था, 26 था। इसके बाद दूसरा नंबर पे कर्नाटक, कर्नाटक में कुल संख्या जो बाघों का टाइगर का सुन हुआ है 563, यानी कि 563। तो ये बाघों का मामला है। अब ऐसा भी सवाल हो सकता है कि भारत में वह कौन से राज्य हैं जहाँ पे एक भी टाइगर नहीं, एक भी बाघ रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो सर उस मामले में मिजोरम और नागालैंड आता है। मिजोरम और नागालैंड भारत के उन राज्यों में शामिल है जहां पर नॉट अ सिंगल, एक भी टाइगर नहीं, एक भी बाघ नहीं है। तो ये पूरी जानकारी आप यहां पे रखिएगा। हाँ,
ओके तो ये पूरा आपको मैं रिपोर्ट जो है ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। सब लोग इसका अच्छे से नोट एक बना लेना है, नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आएगा, ये पूरा पूरा आपको नोट्स बना लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट आप, मैं हूँ एसके चौधरी, अपने से सब मैक्सिमम बच्चे मुझे पहचानते हो। आप अनअकैडमी पे इकोनॉमिक्स का भी दो दो कोर्स चल रहा है, शाम में 5 बजे क्रैश कोर्स, रात में 10:30 बजे फाउंडेशन कोर्स, तो वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और लक्ष्य सीरीज जो है स्टूडेंट ये भी 9 बजे रात में चलता है, आज क्लासेज नहीं है इसकी, बट कोई नहीं। नेक्स्ट है कि मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है। अगला सवाल आपके सामने कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट जो स्टूडेंट वर्ल्ड लेवल पे दिवस कब मनाया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करेंगे। जल्दी जल्दी, हाँ वेरी गुड, और राइट आंसर इसमें बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्टूडेंट जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट जो दिवस मनाया जाता है वह है 29 जुलाई को। अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाए कि भारत में मानव तस्करी जो है वो गैर कानूनी है, वो किस आर्टिकल में इसकी चर्चा हुई, तो उसमें हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 23, जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसको प्रोहिबिट किया गया, उस पर प्रतिबंधित किया गया है। आगे इसके बारे में जानकारी कि वर्ष 2023 का थीम क्या रखा गया था, उसमें तस्करी के हर पीड़ित तक पहुँच, किसी को पीछे ना छोड़े, रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड। और इसकी शुरुआत कब से हुई साथियों, तो इसकी शुरुआत जो है वो 2003 में, जब दुनिया भर में लगभग 2,25,000 जो है वो एक डेटा में पाया गया था कि इतने ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ है, मानव तस्करी हुए हैं। तो उसके लिए पूरी दुनिया भर में 29 जुलाई को प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है, 29th of July को। डेट और थीम सब लोग जानकारी में रखना हाँ, आमतौर पर थीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। चलिए फिर से सवाल होगा, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे कब ऑब्जर्व किए जाते हैं। आप लोग विश किए होंगे अपने दोस्तों को ना, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, तो बताना है कि यह दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दुनिया में सबसे प्यारा अगर कोई रिश्ता है साथियों तो वह है मित्र का, दोस्तों का, क्योंकि वो हमारा खून का रिश्ता नहीं होता है लेकिन खून के रिश्ते से कम भी नहीं होता है। तो ये दिवस कब मनाया जाता है आपने कॉमेंट करना है, बहुत बेहतर। और राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 30th of July, 30 जुलाई को प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। और थीम इसका क्या है स्टूडेंट, तो थीम है कि दोस्ती के माध्यम से मानवीय भावना को साझा करना, शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू द फ्रेंडशिप। और इसके बारे में ये है, यूनेस्को द्वारा इसका प्रस्ताव जो है 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आया था, हाँ यानी कि इसकी घोषणा जो हुई है वो 1997 में हुआ, पहली बार मनाया गया है 1998 में। तो फ्रेंडशिप दिवस ये है, दुनिया भर में लोगों में, समुदायों में वापसी सद्भाव कैसे बनेगा, स्पिरिट कैसे कायम रहेगा, उसको ये उसको बढ़ावा देता है, उसको ये मान्यता प्रदान करता है, इसी उपलक्ष्य में इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2023 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट किस टीम ने जीत लिया है। ये स्पेनिश हॉकी फेडरेशन जो है ना, उसका 100 वर्ष पूरा हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में साथियों एक टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, इसको किसने जीत लिया है ये आपने कमेंट करके बताना है। दोस्त लिख रहे, मेरे सारे दोस्त मतलबी, दोस्त मतलबी ही होना चाहिए है ना, अगर दोस्त मतलबी नहीं रहेगा तो आपका दोस्ती लंबा नहीं चलेगा है ना। ऐसा दोस्त रखो कि तुमसे कर्जा ले ले और तुमसे कर्जा लौटाए नहीं, और तुम पिछले 5 साल से उसको डेली पैसे मांगो, डेली उसके पीछे घूमो, तो यही तो दोस्ती है। दोस्ती में पैसे वापस वापस नहीं करना है। एक बच्चा लिख रहा है, मेरे मतलबी दोस्त हैं, दोस्ती असल मतलबी ही होता है। चलिए तो भारत ने इसको जीत लिया स्टूडेंट, और भारत ने स्पेन को 3-0 से पराजित किया, बुरी तरह से पराजित कर दिया है। ओ हो, स्पेन का तो बेड़ा ही गरक कर दिया साथियों। भारत ने स्पेन को इस 100वें वर्षगांठ मनाया जा रहा था स्पेनिश हॉकी फेडरेशन का, उसमें पराजित कर दिया है और 3-0 से पराजित किया है, तो इसकी जानकारी रखोगे। आगे पुनः सवाल होगा और वही सारी बातें, 3-0 से इंडिया ने पराजित किया है। आगे सवाल होगा कि 30 जून 2023 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित इसरो का PSLV C56 रॉकेट का प्राथमिक पेलोड क्या है। चलिए ये बड़ा अच्छा सवाल है, प्राथमिक पेलोड क्या है साथियों, जो अभी हमारा लॉन्चिंग हुआ है 30th को, उसका नाम क्या रखा गया है।
श्रीहरिकोटा से इसरो के द्वारा प्रक्षेपित PSLV C56 रॉकेट के प्राथमिक पेलोड का नाम है, उसका नाम है साथियों DSSAR सैटेलाइट। हाँ, DSR सैटेलाइट जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और बिल्कुल, तो इसको सहयात्री पेलोड सफलतापूर्वक इसको लॉन्च कर दिया गया है 30 जून को श्रीहरिकोटा, और पेट से सिंगापुर के इस उपग्रह के साथ 6 यात्री पेलोड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। हाँ, तो ये पूरा मामला यहाँ पे नोट करोगे। और इसरो के बारे में भी खासा चर्चा है, तो इसरो की स्थापना 1969 में इसरो वाज एस्टैब्लिश, और एस सोमनाथ जिसको समीर सोमनाथ भी कहते हैं वो उसके इसरो के डायरेक्टर हैं, उनके बारे में भी जानकारी रखोगे। आगे पुनः सवाल आपके सामने, भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ जिनका नाम है इसमें निशा बिस्वाल, क्या नाम है? तो भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ हैं, इंडियन अमेरिकन पॉलिसी एक्सपर्ट निशा बिस्वाल को किस अमेरिकी वित्त एजेंसी का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डिप्टी CEO के पद पर नियुक्त किया गया है? स्टूडेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है अमेरिका में फाइनेंस के सेक्टर में, और उनको उस पर नियुक्त किया गया। तो आपसे सवाल है कि निशा बिस्वाल को किस एजेंसी का CEO बनाया गया, डिप्टी CEO, ये आपको कमेंट करना है। तो इसमें सही जानकारी होगा साथियों कि निशा बिस्वाल को यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का हेड बनाया गया है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है। यानी कि निशा बिस्वाल जो इंडियन ऑरिजिन नाम आपको दिख रहा है साथियों, वह यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की डिप्टी CEO के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। हाँ, और वही सारी बातें यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल मंत्रालय ने किस संघ को देश में खेल के संचालन के आधिकारिक मान्यता प्रदान कर दिया है? भारत में साथियों खेल मंत्रालय ने, यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, अनुराग सिंह ठाकुर जिसके मंत्री है, उन्होंने संबंधित मंत्रालय का नाम बताओ जिसको उन्होंने भारत में खेल का आयोजन करने का अधिकार प्रदान कर दिया है, उस खेल का नाम क्या है, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? तो साथियों उसका नाम है भारतीय हैंडबॉल फेडरेशन। हाँ, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसे आधिकारिक मान्यता मिला है भारत में खेलों का संचालन करने का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, भारतीय हैंडबॉल संघ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, उन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता मिल गया है कि भाई भारत में आप खेलों का आयोजन करोगे। और इस मंत्रालय ने यह फैसला तब लिया जब दिग्विजय चौटाला जो है वो उनको अभी इसका अध्यक्ष बनाया गया है, जगन मोहन राव को इसका महासचिव बनाया गया है। तो उनके घोषणा उसके बाद किए गए हैं भाई, जब उनमें नए महासचिव और अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई उसके बाद। आगे पुनः सवाल है कि किस राज्य सरकार ने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन यानी कि साउनी योजना को पूरा कर लिया है? बड़ा कमाल का स्कीम है भाई, और नर्मदा वर्ड जैसे यूज हुआ है, सौराष्ट्र वर्ड जैसे यूज हुआ, तो आपने उत्तर बता ही दोगे। हाँ, सौराष्ट्र गुजरात का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, और वहाँ पे साथ एक योजना पूरा हो गया जिसका नाम है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन। क्या योजना का नाम है फ्रेंड? तो सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन स्कीम, इसको पूरा कर लिया गया है। और ये किस राज्य ने पूरा किया? तो निश्चित रूप से इसमें सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात ने इसे पूरा किया है। और बिल्कुल, इसने पैकेज 8 और पैकेज 9 का निर्माण जो है वो पूरा कर लिया है, टोटल 9 पैकेज इसमें था। प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं के साथ साथ जीवनदायिनी इसको ये सौगात दी, और इसके बारे में हमें जानकारी रखना, मतलब इस कार्यक्रम ने पूरा करा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो इसमें उपस्थित भी रहे हैं। तो पूरी जानकारी हो गई। आगे सवाल होगा, किस मंत्रालय ने जन्म रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने और पंजीकरण के लिए आधार को लिंक करने का प्रस्ताव रखा है? साथियों अभी भारत में संसद का मानसून सत्र चल रहा है ना, संसद का मानसून सत्र चल रहा है, और मानसून सत्र जो चल रहा है उसमें आपको ये बताना है कि इस मानसून सत्र के अंदर वह कौन सा मंत्रालय जिसने जन्म का रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने और उसका पंजीकरण को आधार से लिंक करने का प्रस्ताव रखा है? तो देखिए, जनसंख्या से रिलेटेड कोई भी मामला अगर हो, हाँ, अगर जनसंख्या से रिलेटेड कोई भी मामला रहेगा तो वो हमेशा गृह मंत्रालय का मामला होता है। तो भाई ये भी वही बातें हैं, जन्म से रिलेटेड मामले हैं कि जन्म मंत्रालय ने कहा कि भाई उसको आधार कार्ड से लिंक कर देंगे, हाँ, उसके प्रमाण पत्र को। तो ये मामला किसका हो जाएगा साथियों? यह मामला हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय का ये मामला है। उन्होंने संसद के सामने ये नया प्रस्ताव रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, तो वही बातें हैं कि गृह मंत्री ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया है, और संशोधन का उद्देश्य जन्म रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना है, यानी कि जो जन्म और मृत्यु होता है उसके रिकॉर्ड को हमें डिजिटल मोड में लाना है, उसके लिए नए प्रस्ताव रखे गए हैं। आमतौर पर ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं
कि ये जो प्रस्ताव लाया गया वो किस एग्जिस्टिंग एक्ट में संशोधन होगा। तो ये एक्ट कौन सा है साथियों, 1969 का एक्ट है जिसमें अमेंडमेंट किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। फिर से सवाल है कि आरबीआई ने बैंकों को रुपये व्यापार के लिए कितने देशों में वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। लो एक होता है वोस्ट्रो एस्ट्रो खाता होता है, हाँ, तो वोस्ट्रो खाता कितने देशों में खोलने की अनुमति दे दी है। आप इसको देखिए क्या लिख रहे हैं सर, शाम ज़्यादा खुश है, शाम ज़्यादा खुश है, मतलब अच्छे से लिखो तो कम से कम, बालक खुश तो रहना चाहिए, अच्छी बात है ना। ये देखो इसमें क्या मामला वो समझने की कोशिश करना। वोस्ट्रो और एस्ट्रो अकाउंट होता है इसमें, कि जैसे वोस्ट्रो का मतलब होता है कि हमारे देश के बैंक विदेशों में पैसे रख सकते हैं अपनी मुद्रा को, और विदेशों की बैंक हमारे देश में रख सकते हैं, तो ये होता है एस्ट्रो वोस्ट्रो खाता। और कितने देशों में इसकी अनुमति अभी मिल गई है भाई, तो टोटल इसमें 22 देशों में इसके अकाउंट को अनुमति मिली है। और कितने बैंकों को अनुमति मिला है, 20 बैंकों को, दोनों जानकारी रखना, हाँ 20 बैंकों को आरबीआई ने अनुमति दिया है कि भाई 22 बैंकों में आप वोस्ट्रो अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो। अच्छा मैंने उल्टा बता दिया क्या, नहीं ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, 20 बैंक 22 देशों में, ध्यान से सुनना, कौन सा अकाउंट रखना है, वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करने की अनुमति मिल गई है, यानी कि भारत में आरबीआई ने 20 बैंकों को 22 देशों के अंदर वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करने की अनुमति दे दिया है, तो इसकी जानकारी हम लोग रखेंगे। हाँ एक बच्चा लिख रहा है सर शाम वाली क्लास में आप हंस रहे हैं, सुबह की क्लास में हंसते ही नहीं है। अब सुबह में 7 बजे की क्लास होती है हमारी अर्ली मॉर्निंग में, तो उतना सुबह कौन हंसता है बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ मैं महसूस करता हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है ये वाली क्लास ज़्यादा इफ़िशियंसी है, क्या इसमें मैं ज़्यादा इफ़िशियंट हूँ शायद, मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल, बट कोई नहीं, हाँ सुबह ही क्लास अभी रहेगी क्योंकि आदत है भाई सुबह जल्दी से उठ करके हम लोग अपने अपने काम को शुरू कर लेते हैं। आगे सवाल है X-59 जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है। सन ऑफ कॉनकॉर्ड एक किस देश का सुपरसोनिक विमान है जो हवा से भी तेज, साउंड से भी तेज गति से जो चलता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही उत्तर क्या है साथियों, कि किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है सन ऑफ कॉनकॉर्ड X-59। तो निश्चित रूप से यह सब होता है साथियों अमेरिका के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, और बिल्कुल यह उन्नत विमान केवल 2 घंटे में जो है पूरी दुनिया में किसी भी 2 स्थान को पार कर सकता है। देख रहे हो ये ऐसा विमान अमेरिका ने बना लिया है, अमेरिका की नासा जो कि स्पेस एजेंसी, उसने एक ऐसा प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान बनाया है जो दुनिया के किसी भी 2 स्थान को, 2 जगहों को अगर आप पहुँचने के लिए बोलोगे तो 2 घंटे में दुनिया के किसी भी 2 स्थानों पर जा सकता है। मतलब इंडिया से बोल दो रसिया जाना है 2 घंटे में, रसिया से बोल दो कि भाई तुम्हें जाना है उधर ब्राज़ील की तरफ तो 2 घंटे में, तो ये पूरी जानकारी हम लोग को यहाँ पे रहेगा। अब बिहार करंट अफेयर्स की बारी है, और बिहार करंट अफेयर्स में जाहिर सी बात है आपके डिमांड पे अब हम लोग इसमें MCQs कर रहे हैं, तो देखते हैं बिहार करंट अफेयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस होंगे। हाँ पहला सवाल है बिहार के किस ज़िले में काला हिरण बचाव केंद्र बनाया जाएगा। लो पहला सवाल आ गया, दुनिया का काला हिरण का जो है स्टूडेंट ये कहाँ पे बिहार के अंदर एस्टेब्लिश किया जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिएगा। हाँ बिहार के किस ज़िले में काला हिरण बचाव केंद्र स्थापित किया जाएगा। चलिए तो सही जानकारी साथियों कि इसकी स्थापना होगा भोजपुर आरा के अंदर, आरा वालों खुश हो जाओ, हाँ आपके शहर से जुड़ा हुआ सवाल है साथियों। काला हिरण बचाव केंद्र कहाँ पे, भोजपुर में स्थापित किया जाएगा ऑब्वियसली आ रहा। अगला पुनः सवाल है कि हाल ही में जगजीवन राम को कई कारणों से हम लोग जानते हैं बाबू जगजीवन राम को, कि कौन सी जयंती मनाई गई है। साथियों भारत में सबसे लंबे समय तक लगभग 36 वर्षों तक कैबिनेट मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है, और पूछा जा रहा है कि इनकी जयंती मनाई गई है कौन सा, ये आपने कॉमेंट करना है। तो हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई साथियों 116वीं जयंती, हाँ ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही है। मीरा कुमार इन्हीं की बेटी थी जो लोकसभा की पहली स्पीकर रहीं। बिहार के किस ज़िले में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। असल बिहार में
किस जिले में 2 दिनों के लिए बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ है, वह संबंधित जिला कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिएगा वह संबंधित जिला स्टूडेंट जहां पे बाजरा, चलिए तो इसमें सही जानकारी है, इसका भी आयोजन भोजपुर के अंदर, आरा के अंदर। आगे सवाल होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि बिहार के किस योजना के मॉडल को समझने के लिए रवांडा और बांग्लादेश की एक टीम बिहार आएगी। वाह, बताओ बिहार सरकार का वह कौन सा योजना है जिसको समझने के लिए स्टूडेंट बिहार में रवांडा और बांग्लादेश की एक टीम जो है उसकी स्टडी करने के लिए आ रही है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, हाँ फटाफट से। गुड इवनिंग, क्या नाम है इसका, राधिका है, सीडा रॉय, वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलो अब आपस में तुम लोग लड़ना बंद करो। हाँ एक तो समझ में नहीं आता है कि तुम लोग जिला उला कैसे संभालोगे, ब्लॉक व्लॉक, तो कमेंट सेक्शन नहीं संभाल पाते हो, बन जाओगे SDM DSP और बाकी CDPO DPO तो कैसे पद संभालोगे भाई। कमेंट सेक्शन में कोई ऊपर नीचे दो शब्द लिखता है तो लगता है जान ले लोगे एक दूसरे का। अब ब्लॉक व्लॉक में जब आम लोगों से डील करिएगा तो एक से एक उठपटांग सवाल, एक से एक उठपटांग लोग मिलेंगे। चलो तो इसमें सही जानकारी स्टूडेंट, बिहार में वह योजना स्टूडेंट गरीबी उन्मूलन मॉडल, बिहार में सरकार जो गरीबी को दूर करने पर काम कर रही है उस पूरे प्रोसेस को स्टडी करने के लिए वहाँ से टीम आ रही है। लेकिन ये गड़बड़ है क्या, अभी लोग क्या पढ़ के जाएगा, बांग्लादेश वाला लोग और रवांडा वाला, कि बिहार में गरीबी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बिहार में गरीबी जो है कंपेरेटिवली कम कहाँ हो रहा है, बिहार अभी भी सबसे पीछे। लेकिन हाँ वो स्टडी इस बात पर होगा कि सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है ना। सुबह क्लास का टाइमिंग सुबह 7 बजे ही है, हाँ सुबह 7 बजे स्ट्रीमिंग की नहीं मिल पाया था जिस कारण से क्लास नहीं हुई थी। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट होगा कि केरल राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल, साथियों केरल की एक पार्टी का नाम है नेशनल जनता दल का विलय बिहार के किस राजनीतिक पार्टी में हो गया है। केरल की साथियों एक राजनीतिक पार्टी है उसका विलय किस में हो गया है। ऑप्शन आपके सामने है JDU, राजद, लोजप्पा या VIP पार्टी। सबसे इंटरेस्टिंग नाम है VIP पार्टी ना, विकासशील इंसान पार्टी, वाह VIP मुकेश सहनी की पार्टी। तो सबने जानकारी रखोगे कि वह पार्टी जिसमें इनका विलय हो गया है वह है, चूंकि नाम ही है जनता दल तो यहाँ पे भी कौन सी पार्टी है, जनता दल यानी कि लालू यादव जी की पार्टी जो है, तो उस पार्टी में इसका मर्ज हो गया ये, और ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये पूरा मामला हम लोगों ने यहाँ से रिकॉर्ड कर लिया, ये पूरी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से देख लिया है। ओके और लाइक करने में कंजूसी नहीं करिए, अभी 51 बच्चे लाइव हो, सबने लाइक कर लो एक बार। हाँ चलिए तो एक बार सभी लोग लाइक कर लेना, और करंट अफेयर्स की क्लास स्टूडेंट सुबह 7 बजे हर दिन आपको टेलीग्राम के इसी चैनल पर मिलेगा। आप में से जो बच्चे अभी जुड़ रहे थे 8 बजे, आज की क्लास में 8-9 बजे जुड़े हो, तो प्रयास करिएगा कि आपको सुबह 7 बजे जुड़ना है। अब आप में से कई लोगों को लगे सर इतना सुबह क्यों, देखो सुबह 7 बजे जुड़ने का सबसे बढ़िया फ़ायदा तो ये होता है कि आप समय पे उठ जाते हो, आपका दिन जल्दी शुरू हो जाता है। नहीं तो आप क्लास अगर नहीं रहेगा तो बहाने से आप 2-3 घंटा और एक्स्ट्रा सोते हो, तो वो सबसे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर्स, और सुबह चूँकि दिमाग हमारा शार्प होता है, बिल्कुल खाली होता है, तो आप चीज़ों को जल्दी जल्दी ऑब्जर्व करेंगे। हाँ और पिछले लगभग 2.5-3 वर्षों से लगातार हम लोग सुबह की क्लास को यहीं पर कर रहे हैं, तो सुबह 7 बजे की ये क्लास आपकी रेगुलर रहेगी और यहीं पे आपको जुड़ने का कोशिश करना है। हाँ इसके अलावा स्टूडेंट अनअकैडमी पे आप सभी के लिए कुछ बेहतरीन प्लान है, उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। अनअकैडमी ने इंट्रोड्यूस किया है आस्क मी एनीथिंग बिहार स्टेट एग्जाम्स, एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और टेलीग्राम पर भी सर्कुलेट हो रहा है, जहाँ पर आप कोई भी डाउट जो है उसको एक गूगल फॉर्म के माध्यम से उसमें फिल कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स जो भी डाउट होंगे वो आप वहाँ से पूछ सकते हो, तो आप लोग उसमें जाइएगा। 10 दिन 10 मिनट यूट्यूब पे स्टूडेंट अभी एक सेशन हमारा चल रहा है जिसमें हर विषय से संबंधित सभी शिक्षक अपने 10-10 मिनट का एक वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आप इसमें भी जुड़ेंगे। और ये हर दिन आपको 1 अगस्त से 11 बजे मिल रहा है। अनअकैडमी पर 70वीं BPSC के लिए फाउंडेशन कोर्स प्लान हो चुका है, जहाँ पर बैच का नाम है उत्कर्ष 70वीं BPSC फाउंडेशन। 3 अगस्त से बैच हमारा लॉन्च हो रहा है, आप अगर इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो 559
555 यानी कि 5059 रुपये लगा करके इसमें जुड़ सकते हो। और उज्ज्वल बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक टेस्ट सीरीज, असल बिहार में शिक्षक बहाली का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसको लेकर के बिहार में टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है 199 पे, यानी कि सिर्फ 199 रुपये में आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं और अपनी पूरी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप इस कोर्स में ज़रूर जुड़ना और ये बहुत ही काम का कोर्स आपके लिए साबित होने वाला है। इसके अलावा अभी न्यू कोर्स अभय सर लेकर के आ रहे हैं ज्योग्राफी और फिजिकल वर्ल्ड पे, ये सब पे, तो आप इसको भी ज्वाइन करिए। क्रैश कोर्स अंतिम पड़ाव प्रैक्टिस कोर्स है 69th BPSC के लिए, इसमें भी जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन कोर्सेज है आरंभ BPSC कांस्टेबल इत्यादि के लिए भी बैचेज एन अकेडमी पर आ चुका है। तो कोर्सेज का कोई कमी नहीं है, आप सबको बस कोशिश यही करना है कि आप अन अकेडमी पर निश्चित रूप से जुड़ें। और बिल्कुल, एक बच्चा लिख रहा है शाम में क्लास क्यों हो रहा है, भी आज शाम में क्लास इसलिए हो रहा है क्योंकि सुबह में क्लास नहीं हो पाई थी, और 9 बजे की क्लास इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये वाली क्लास मुझे लेना था। हाँ, तो आज 9 बजे लक्ष्य सीरीज नहीं हो पाया, कल से वापस उसे हम लोग देखेंगे। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करूँ। आप में कितने बच्चे हो जो 2 पैसे के मोटिवेशन का इंतज़ार कर रहे हो, 2 पैसे का मोटिवेशन? हाँ, निगाहों में मंजिल साफ थी, है ना, निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे गिरकर संभलते रहे। चलो, 2 पैसे का मोटिवेशन यह है कि निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिशें तो बहुत की, हवाओं ने कोशिशें तो बहुत की, मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ जो लोग नहीं सुन पाए, कि निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर हर बार संभलते रहे। हवाओं ने कोशिशें तो बहुत की, हवाओं ने कोशिशें तो बहुत की, मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। तो साथियों, यही है 2 पैसे का मोटिवेशन जो इस क्लास के लास्ट में आपको मिलता है। और बिल्कुल बिल्कुल, तो आप सभी बच्चे हमेशा प्रयास करें कि देखो, ये तो पॉसिबल नहीं कि हमेशा इंसान 24 आवर्स मोटिवेटेड रहता है, लेकिन हाँ, हमेशा ये कोशिश ज़रूर करनी है कि डीमोटिवेटेड भी नहीं रहना है, प्रयास करिए हैप्पी रह करके और हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो आज के सेशन को साथियों यहीं पर समाप्त करेंगे। सुबह 7 बजे आपसे मुलाकात होगी जैसे हर दिन होती है, और बिल्कुल सुबह 7 बजे। तो आपको आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को क्लास से जुड़ने के लिए। अपना खूब ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।